हे हेलो एवरीबॉडी गाइस, मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवे। गाइस, जब भी हम ऑल इन ट्रेड में ट्रेड लेते हैं तो काफ़ी बार हमारे सामने एक समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई आपकी डेली लिमिट जो है ट्रेड लेने की वो एक्सीड हो गई है। तो कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको मिलता है जहां लिखा होता है यू हैव एक्सीडेड द मैक्सिमम अमाउंट ऑन ओपन ट्रेड्स फॉर अ डे, प्लीज वेट फॉर द टाइम टू एक्सपायर। ये नोटिफिकेशन आपको क्यों मिलता है, क्या कारण है इसके पीछे और क्या सॉल्यूशन है? इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में लिमिट लगा दी गई है, आप एक दिन में इतनी अमाउंट से ज्यादा, पर्टिकुलर गिवन अमाउंट से ज्यादा ट्रेड्स नहीं ले सकते। वो अमाउंट होती है $2 या $3। तो ये नोटिफिकेशन क्यों आपको मिलता है और ये लिमिट कैसे हटाई जा सकती है, वीडियो के अंदर पूरा सॉल्यूशन है। कुछ नए यूजर्स हैं जिन्हें अभी तक ऐसी नोटिफिकेशन नहीं मिली होगी, लेकिन भाई सतर्क हो जाओ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, हो सकता है आपको भी इन फ्यूचर ये नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है अभी से जान लो, और कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके बाद ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है, तो वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ईच एंड एवरी ऑल इन ट्रेड यूजर के लिए। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक दिन में आपके अकाउंट में लिमिटेड ट्रेड्स का टारगेट सेट कर दिया गया है, मतलब $2 या $3 की ही ट्रेड आप एक दिन में ले पाओगे, उसके बाद आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। जैसे ये टारगेट आप अचीव कर लेते हो, मतलब इतने डॉलर्स की आप ट्रेड ले लेते हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास ये नोटिफिकेशन आने लगती है जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई थी। उस नोटिफिकेशन के बाद आप जितनी बार भी प्रेस करोगे ट्रेड लेने के लिए, आपकी ट्रेड प्लेस नहीं होगी। लिमिट लगने के बाद जब आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुल के आता है, जहां पे आपकी ट्रेडिंग लिमिट्स में लिखा होता है भाई $2.5 की लिमिट लग गई है ऑल पे। ऑल मतलब यहां पे डिजिटल ऑप्शन भी आ जाता है, बाइनरी ऑप्शन भी आ जाता है और क्रिप्टो ओटीसी सारे सेक्शन इसमें आ जाते हैं। टोटल मिला के आपके पास $2.5 की लिमिट आ जाती है। कुछ वाले सेक्शन होते हैं जहां पे $3 की होती है, कुछ में $2 की, डिपेंड करता है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, अब यहां से आप रीजंस भी देख सकते हैं, लेकिन भाई मैं बताऊं, यहां पे शॉर्टलिस्टेड एक रीजन है जो आपको मोस्टली अकाउंट्स में देखने को मिलेगा, जहां पे ऑल इन ट्रेड वाले बोलते हैं कि आप अपने कैपिटल पे ज्यादा रिस्क ना लें, इसलिए हमने आपका जो है लिमिट लगा दी है। भाई सुन के काफी अजीब लगता है, और इसका जो एग्जैक्ट रीजन है वो मैं आपको बताता हूं कि ये लिमिट लगती क्यों है। अभी मैंने आपको बताया लिमिट का मतलब क्या होता है, अब मैं आसान भाषा में एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा कि ऑल इन ट्रेड वाले आपके अकाउंट में लिमिट लगाते क्यों है। मान लीजिए आपने $100 डिपॉजिट किया, उसके बाद उस पर आपने 5 गुना प्रॉफिट ले लिया, यानी $500 टोटल हो गया आपका अकाउंट अभी। उसके बाद आपने $400 का विड्रॉ ले लिया, ठीक है, आपके अकाउंट में बचे $100। तो उसके बाद ऑल इन ट्रेड क्या करता है, आपके अकाउंट में लिमिट लगा देता है। क्यों? क्योंकि आपने जितना डिपॉजिट किया है उसे 4 गुना ऑलरेडी विड्रॉ ले चुके हो। मतलब सिंपल सी बात है, जितना आपने डिपॉजिट किया था उससे 4 गुना आप कमा चुके हो। ठीक है, तो ऑल इन ट्रेड को लगता है, मतलब रीजन तो ऑल इन ट्रेड बहुत अच्छा देता है, बोलता है कि आप रिस्क ना ले बड़े अमाउंट पे, इसीलिए हमने आपके अकाउंट में लिमिट लगा दी है। लेकिन एक्चुअल रीजन ये होता है भाई कि उन्होंने 5 गुना पैसा आपने कमा लिया, उसके बाद वो लोग लिमिट लगाएंगे ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप 5-7 गुना से ज्यादा पैसा वहां से कमाओ। ये मैं अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं, एग्जैक्टली यहां पे ये नहीं है कि आप सिर्फ 5 गुना कमा लोगे। कुछ लोग होते हैं जो 10 गुना भी कमा लेते हैं फिर भी लिमिट नहीं लगती है, बट अप्रोक्सीमेट लगभग 5 गुना पैसा कमाने के बाद ये सिनेरियो आपके सामने देखने को मिलता है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे हम ये लिमिट हमारे अकाउंट से हटा सकते हैं। दोस्तों, लिमिट हटाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आपको अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करके दूसरा अकाउंट खोलना होगा। इसमें आप निश्चिंत रहिए, आप अपने पुराने डॉक्यूमेंट के साथ भी नया अकाउंट खोल सकते हो और उसमें भी ट्रेड ले सकते हो, उसमें भी ड्रॉ ले सकते हो, आप सेम नंबर से सेम ईमेल से भी बना सकते हो, बट पुराना अकाउंट डीएक्टिवेट करना जरूरी है। पहला तरीका तो ये है, मतलब आपको अपने पुराने अकाउंट को, सपोज कीजिए आपने 4 गुना प्रॉफिट ले लिया, आपने विड्रॉ ले लिया, जैसे ही आपके अकाउंट में लिमिट लगती है आप अपने टोटल अमाउंट को विड्रॉ ले लो और नया अकाउंट क्रिएट कर लो, बट पुराने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना मत भूलना। अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के बाद आप जब नया अकाउंट क्रिएट करोगे तो वहां पे आपको कोई लिमिट नहीं मिलेगी, मतलब आप आराम से 5 गुना वहां पे प्रॉफिट ले सकते हो और फिर आप विड्रॉ ले सकते हो इजीली। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, पहला ये सॉल्यूशन है। और ट्रस्ट मी, मैं आपको जो 2 सॉल्यूशन बताने वाला हूं उसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है,
कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत सारी क्वेरीज मिलने के बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूं। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको एक लॉस करना पड़ेगा। मतलब अगर आप विन ही करते जाओगे तो अनलिमिटेड वाले आपके अकाउंट में लिमिट लगाएंगे ही लगाएंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन, उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं। ये सारी चीजें ऑटोमेटेड है, मैनुअल नहीं है। आप विन करोगे, ये लोग आपके अकाउंट में लिमिटेशन जरूर लगाएंगे। अगर आप थोड़ा सा लॉस इनको दिखा दोगे तो ये आपके अकाउंट में कभी लिमिटेशन नहीं लगाएंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप क्या करो, $10 डिपॉजिट करो, उस पे $6 का, $5 का, जो भी आपको बोनस मिलता है बोनस लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उस $10 को आप जानबूझ के हार जाओ, ठीक है। $10 मतलब ₹700, आप जानबूझ के हार जाओ। उसके बाद आप वापस डिपॉजिट करो, आपको जितना भी डिपॉजिट करना है। उसके बाद आप ट्रेड करो, मतलब बोनस से ट्रेड करना जरूरी है, हारना जरूरी है। अगर आपके अकाउंट में बोनस पड़ा हुआ है ऑलिम ट्रेड के, तो उस बोनस से एक दो ट्रेड लगाना आपको जरूरी है, ठीक है। मैं वापस आपको समझाता हूं। आपने $10 डिपॉजिट किए, $30 का आपको, $3 का आपको बोनस मिलता है, तो आपने $10 के $10 जानबूझ के हार गए। फिर वो बोनस से भी आपको ट्रेड लेनी है, और वो भी आपको लगभग हार जाओ जीत जाओ कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन आप एक बार ट्रेड जरूर लो उस बोनस से। गाइस, जैसे ही आप बोनस से ट्रेड ले लेते हो, इसका मतलब ऑलिम ट्रेड के ऑटोमेटेड सिस्टम में ये पता लग जाता है कि आप हारे हो अपना पैसा, तभी आपने बोनस यूज किया है। और उनको जब ये पता लग गया, फिर वो आपके अकाउंट में लिमिट नहीं लगाते हैं। उसके बाद आप डिपॉजिट करो, जितना आपको डिपॉजिट करना है उतना डिपॉजिट करो, और उसके बाद बिंदास ट्रेड लो। कोई आपके अकाउंट में लिमिट नहीं लगेगी। हारना मतलब जरूरी है, अगर आपको लिमिट हटानी है अपने अकाउंट से, ये गांठ बांध लो। ऑलिम ट्रेड की पॉलिसीज ही कुछ ऐसी हैं, इनका सिस्टम ही कुछ ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका तोड़ मैं आपके लिए लेके आया हूं। बोनस तक जाओ, अगर बोनस को यूज करो, यूज करने के बाद आप कितना भी डिपॉजिट करो, आपके डिपॉजिट पे कोई लिमिट नहीं लगाई जाती है, अनटिल और अनलेस यहां पे आपका अकाउंट into 10 into 15 तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब ये ट्रेड हम विन कर गए भाई, क्या बात है। तो लॉस हमारा रिकवर हो गया आज का। दोस्तों, यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि अकाउंट में लिमिट क्यों लगती है और अकाउंट से लिमिट कैसे हटाई जाती है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी पॉसिबल तरीके हैं अकाउंट से लिमिट हटाने के। और ट्रस्ट में, इसके अलावा कोई भी तरीके नहीं है। अगर आप बहुत बड़ा जाना चाहते हो तो एक लॉस कर दो, और अगर आप बड़े जाना नहीं चाहते हो, छोटे 4-5 गुना प्रॉफिट करके आप विड्रॉ लेके बंद करना चाहते हो, तो आप सिंपल तरीके से जाओ, आपको कोई लिमिटेशन की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जिनके लिमिट लग जाती है अकाउंट में, उनकी जो लिमिट है वो रात को 2 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रीसेट होती है। आप हर रात 2 बजे के बाद $2-2.5 की जो इनकी लिमिट होती है वो ट्रेड ले पाओगे। और कभी कभार ऐसा होता है भाई, मेहरबानी कर देते हैं कुछ यूजर्स पे ऑलिम ट्रेड वाले, कि आप बैठे रहोगे कुछ भी नहीं करोगे, उसके बाद भी आपके अकाउंट से लिमिट हट जाती है। कुछ बार कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे भी हैं, ठीक है। लेकिन हम जाते हैं सेफर साइड में, तो मुझे लगता है, देखिए, लिमिट वाला केस कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है हमारे सिनेरियो में। अगर हम जितना पैसा डालते हैं उसका 3-4 गुना कमा लेंगे, तो भाई कंपनी वाले सोचेंगे, यार इतना पैसा कमा रहे हैं तो एक लिमिट डाल देते हैं कि दिन का अब इतना ही कमा पाए। तो भाई उनकी तरफ से भी बात सही है, आपकी तरफ से भी बात सही है, कि भाई हम अपनी जेन्युइन तरीके से जा रहे हैं, तो आप लिमिट क्यों लगा रहे हो। लिमिट उनका लगाने का कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ प्राइवेसीज हैं उनकी, चलो जो भी हैं, लेकिन हम हमारे तरीके से जाएंगे ना। हम जुगाड़बाज आदमी है भाई, हम हैं इंडियंस मोस्टली, जो वीडियो को देख रहे हैं, हमारे पास है काफी सारे जुगाड़। हम करेंगे भाई एक छोटा सा लॉस, उसके बाद तुम लगाओ लिमिट लगा सकते हो, तो उनके बाद लगा ही नहीं पाएंगे भाई वो लिमिट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो गाइज यार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो। थैंक यू सो मच यार गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।